यार वीडियो सही बना रहा हूँ, गुड। आप आ रहे हो? मैं आ रहा हूँ यार, आप ग्रुप में ऐड हो ना। कौन सा? वो लड़कों ने जो बनाया है व्हाट्सएप। हाँ व्हाट्सएप यार, शेयर कहाँ कराओ आप? शेयर कैसे कराओ? मेड करवा दी मैं आपको यार। कौन ऐड? ऐड की लड़की है वो, जो मॉडल वाली चल रहा था मिक्स हैदराबाद तब बनाया था। जगह है क्लास आपका नाम है? मोहम्मद शेख। अरे एयरपोर्ट से नहीं आ रही है, किसी ने कंप्लेंट नहीं कर दिया। अभी संडे वाले दिन अटेंडेंस चेक हो गई ना, रानी का बात पता चलेगा। चार ही रात बाद चली आई। सर वैसे क्लास में मर चुकी है, क्लास मर चुकी है। पाँच बच्चे ऐसे हैं जो एक दो दिन आए थे पूरे कोर्स में, पाँच छः महीने में अब वो आते थे कर। आपके पास दो टाइप की प्रोटोकॉल होती है, एक आईजीपी होती है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल जिसका नाम रिप आता है, डीआईआरजीपी आता है, ओएसपीएफ आता है। इसके अलावा आपके पास वाटर गेटवे प्रोटोकॉल होती है, बीजीपी होती है, एक्सट्रीमियर गेटवे प्रोटोकॉल बीजीपी आती है। आपके पास दो टाइप की प्रोटोकॉल होती है, आईजीपी और एक बीजीपी। बीजीपी प्रोटोकॉल जो होती है वो वाटर गेटवे प्रोटोकॉल होती है जिससे आपका इंटरनेट वर्क कर रहा होता है और दूसरी साइड पे जाकर फिर दोबारा आईजीपी से कनेक्ट कर रहा होता है। आईजीपी के अंदर अभी तक जो हमने पढ़ी थी वो रिप पढ़ी थी, ओएसपीएफ पढ़ी थी और ईएआरजीपी पढ़ी थी। आप जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ओएसपीएफ है। ओएसपीएफ रिप जो होती है वो उसका मैट्रिक होता है हॉप काउंट, वो कितने हॉप्स तक काम कर सकती है, कितने राउटर्स तक काम कर सकती है, 0 से 15 तक, सही है। तो अगर कहीं आपके पास 0 से 15 तक का एनवायरमेंट लगा हुआ है 16 हॉप्स का, 16 राउटर्स तक का, वहां तो आप रिप कॉन्फिगर कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा आपको ज्यादा बड़ा नेटवर्क बनाना है तो वहां करेंगे आप EIRGP, और उससे ज्यादा बड़ा करना है तो OSPF करेंगे। EIRGP की लिमिट होती है 255 हॉप्स की, OSPF की लिमिट है अनलिमिटेड,
जैसे कि अगर मैं HPL की बात करूं, HPL की कितनी साइट्स हैं? 1500, 1600, 1600 साइट्स हैं उसकी। वो 1600 साइट्स जो हैं, अगर हमें कॉन्फ़िगर करनी है तो वहाँ OSPF चला रहे होंगे। OSPF चलाने की तो साइट्स की भी वजह है और दूसरी इसकी ओपन सोर्स होने की भी वजह है। ये ओपन सोर्स प्रोटोकॉल है, इसके अंदर लाइट खत्म कर देना बीच वाली जो है। तो ओपन सोर्स होने की वजह भी है, जैसे ओपन सोर्स का मतलब है कि HP, हमावे और जूनिपर कोई भी किसी भी किस्म का वेंडर हो, सब पे चलेगी OSPF। इसके जो सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट में पसंद की जाती है और यूज होती है वो OSPF चलती है आपकी। एक लिमिट है तो 255 साइट से ज्यादा काम नहीं करती। दूसरी EIRPP ओपन सोर्स तो हुए 2013 में, लेकिन उसके सारे पैरामीटर्स ओपन सोर्स नहीं हुए हैं, सही है? तो वो अभी भी प्रोप्राइटरी शिप पे है, सब कुछ शिप होगी, लेकिन वो वैसे ओपन सोर्स हो गई है। लेकिन वो एक फास्ट प्रोटोकॉल है, जहाँ हमें मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन चलानी होती है वहाँ हम लोग EIRPP यूज़ करते हैं, वरना हम लोग OSPF यूज़ करते हैं। हमारे पास PDCL लोकल बाहर जाकर बात कर लो आपस। OSPF एनवायरमेंट में हमारे पास एरियाज होते हैं, एरिया 0, एरिया 1, एरिया 2। इससे पहले मैं टाइप ऑफ राउटर्स इसमें बता दूं। ये हमारे पास IR राउटर होता है, जिसको इंटरनल राउटर कहते हैं, जो एरिया के अंदर होता है। एरिया के किनारे पे जो होता है वो बैकबोन राउटर कहलाता है। दो एरिया के बीच में जो राउटर आता है वो ABR राउटर कहलाता है, एरिया बॉर्डर राउटर, जिसके अंदर एक इंटरफेस एक एरिया में होती है और बाकी इंटरफेस दूसरे एरिया में होता है। इसके बाद हमारे पास आता है ASBR, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर वो होता है जो दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम से या दूसरे AS से कम्युनिकेशन करने के काम में आता है। ये जो टर्म्स हम बता रहे हैं, ये मतलब OSPF से रिलेटेड इनको दी गई है या? ये OSPF के रिलेटेड ही दी गई है और OSPF ही पढ़ाया जा रहा है आपको। सही, बॉर्डर राउटर और SPR में डिफरेंस? बॉर्डर राउटर और किसमें? ABR और ASBR। ASBR जो होता है वो राउटर होता है जो एक ऑटोनोमस सिस्टम से दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम में बात करने के काम में आता है और एज पे लगा होता है। अब ये एरिया जीरो जो है, ये वाला एरिया जीरो जो है, ये कहाँ पे कनेक्ट हुआ हुआ है? ये कनेक्ट हुआ हुआ है BGP के बॉर्डर पे। BGP के जरिए ये दूसरी तरफ जा रहा है, ये दूसरी तरफ IGP लगी हुई है। BGP जो है आपका इंटरनेट है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। इसके अंदर OSPF के अंदर हमारे पास LSAs होते हैं, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट।
जब हम रिप की बात करते थे तो रिप हमारे 16 हॉप्स पे काम करता है, हॉप काउंट्स पे काम करता है। दो हॉप्स यहाँ से आ रहे हैं, तीन हॉप्स यहाँ से आ रहे हैं, वो दो हॉप्स के रास्ते को सूट करेगा और दो हॉप्स के जरिए डेटा को भेज देगा। जबकि जब हम OSPF की बात करेंगे तो OSPF बैंडविड्थ पे काम करेगा और जैसे कि 128 KB की बैंडविड्थ है और इधर 100 Mbps की बैंडविड्थ है तो वो 100 Mbps को प्रेफरेंस करेगा और जिसकी कॉस्ट जब कॉस्ट ज़्यादा होगी जब हमारी Mbps स्पीड ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी तो हमारी कॉस्ट कम होगी, सही है। और जिसकी कॉस्ट कम होगी वो उस कॉस्ट को सिलेक्ट करता हुआ जा रहा होगा, जैसे कि लिंक स्टेट का मतलब कि लिंक की स्टेट को देखता हुआ जा रहा होगा। अगर हमारे पास एक राउटर ये है, एक राउटर ये है, एक राउटर ये है, एक राउटर ये है, अगर इधर हमारा रिप चल रहा है तो डेटा को यहाँ से भेजेगा चाहे बैंडविड्थ कुछ भी हो। अगर हमारा OSPF चल रहा है और यहाँ पे हमारे पास 10 GB का लिंक लगा हुआ है, यहाँ 1 GB का लिंक लगा हुआ है, तो वो इधर तीन राउटर होने के बावजूद वो 10 GB से डेटा को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे भिजवाएगा, सही है। इसके अंदर ये लिंक स्टेट को देखता है। एरिया बनाने की इसमें वजह क्या बनी, एरिया बनाने की वजह इसलिए बनी कि इसके अंदर लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट होते हैं जिसको LSA कहते हैं। LSA बहुत सारे मिलकर एक LSU बनाते हैं, लिंक स्टेट अपडेट। ये लिंक स्टेट अपडेट एक राउटर से दूसरे राउटर के पास जाती है जो कि LSDB बनाती है, लिंक स्टेट डेटाबेस। लिंक स्टेट डेटाबेस जो है वो हर एरिया की अपनी होती है, जैसे एरिया 0 की, एरिया 1 की और एरिया 2 की। तो लिंक स्टेट डेटाबेस को हमें छोटा करने के लिए हर हर एरिया के अंदर अलग अलग डेटाबेस बनानी पड़ती है, इस वजह से हमने एरियाज बनाए होते हैं इसके अंदर। डेटाबेस का समझ नहीं रहा किस चीज़ का मतलब डेटाबेस, जैसे सर्वर होना ये जब भी और भाई ये राउटर है इसकी एक कॉस्ट है, जितना ज्यादा कम खर्चे वाला राउट होगा उस रास्ते से आएगी। कम खर्चे का मतलब ये है कि बैंडविड्थ ज्यादा होगी इसकी, उसको चूज करेगी। नेटवर्क सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट नहीं होता, पी टू पी नेटवर्क नहीं होता, जैसे कि एक लिंक यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, सही है, ऐसा नेटवर्क नहीं होता। नेटवर्क हमारे पास ब्रॉडकास्ट नेटवर्क भी होता है जो कि इस तरीके का होता है जो इसके अंदर लगा हुआ है, कि ये वाला ब्रॉडकास्ट नेटवर्क जो बनता है इसके अंदर हमारे फिर राउटर की टाइप्स बनती हैं। अभी आप ये समझ लें कि LSDB जो है हर एरिया की अलग अलग बनेगी। एरिया 0 का LSDB अलग डेटाबेस अलग होगा, एरिया 1 का डेटाबेस अलग होगा, एरिया 2 का डेटाबेस अलग होगा। जब हम इसमें आते हैं DR ब्रॉडकास्ट नेटवर्क का आते हैं तो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के अंदर मसला ये आता है कि ये राउटर भी लिंक स्टेट देखते हुए LSA जनरेट करेगा। LSA जनरेट करने पे ये LSA इसको राउटर को भेजेगा, ये LSA इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा और फिर ये दोबारा इसको भेज देगा और ये राउटर इसको भेज देगा। इस तरीके से यहाँ पे एक लूप क्रिएट हो जाएगा। वो लूप क्रिएट होने की वजह से ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉन्ग आएगी। उसको बचने के लिए यहाँ पे हम इलेक्शन कराते हैं और उस इलेक्शन के अंदर एक डेजिग्नेटेड राउटर होता है और एक बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर बनता है। डेजिग्नेटेड राउटर वो होता है कि सारे राउटर सबसे पहले LSA उसके पास फॉरवर्ड करते हैं, वो फॉरवर्ड करने के ऊपर डिसीजन लेता है कि अब LSA कौन से राउटर्स पे वापस सेंड करना है।
तो वो वापस सेट कर देता है जिस राउटर के ब्रॉडकास्ट एनवायरनमेंट में उसे वापस सेट करता है। जब पहले दफा राउटर्स में डीआर सेलेक्ट हो जाता है तो ये ब्रॉडकास्ट करते हैं, ये ब्रॉडकास्ट जो करते हैं वो एड्रेस होता है 224.0.0.6 का, ये एड्रेस होता है डीआर का जो इलेक्शन में डीआर सेलेक्ट हुआ होता है। ये जो वापस सेट करता है वो डॉट फाइव पे करता है 224.0.0.5। ये 224 का एड्रेस कौन सा है? ए बी सी डी है। डी के एड्रेस इसलिए यूज होते हैं ताकि डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकें। ये मल्टीकास्ट एड्रेस होता है। एक एफएम रेडियो है, सही है, एफएम का 100 का चैनल है, उस पे सब लोग ट्यून करते हैं और उस पे सुनते हैं कि ब्रॉडकास्ट क्या आ रही है, मतलब कौन सा सॉन्ग चल रहा है, सही है। तो इसी तरीके से हमारे मल्टीकास्ट के एड्रेसेस होते हैं। जब एक दफा हमारा सेंटर पॉइंट ब्रॉडकास्ट का डिसाइड हो जाता है कि डीआर राउटर डेजिग्नेटेड राउटर कौन सा है, तो सब लोग सबसे पहले उसके ऊपर पावर करते हैं अपनी LSA और फिर वो हर राउटर पे जिस पे भेजना होता है वो उसके ऊपर भेज देता है। ये डिसाइड होता है उसकी राउटर आईडी के ऊपर कि राउटर आईडी कौन सी है उसकी। हर राउटर की एक अपनी राउटर आईडी होती है वो SPF एनवायरनमेंट में, सही है। वो बाय डिफॉल्ट भी देता है और हम भी सेट करते हैं, यह हम अभी करके देखेंगे। तो सही है, अभी आप इसको करें। पहले सबसे पहले हम राउटर कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने का मकसद क्या होता है, मतलब क्या होता है इसको अगर मैं बोलूं पूछूं तो, कि नेटवर्क हमारा कन्वर्ट हो गया है, नेटवर्क ने सारे इंटरफेसेस सारे नेटवर्क लर्न कर लिए हैं, सही है, इसको कन्वर्जेंस कहते हैं। ये पूरा नेटवर्क हमारा कन्वर्ज हो गया, सारा नेटवर्क लर्न कर चुका है कि कौन सा कहाँ पे है। अच्छा, इसके अंदर तीन किस्म के टेबल्स होते हैं। एक होता है नेबर टेबल जिसके अंदर सिर्फ राउटर की नेबर की इंफॉर्मेशन होती है। एक होता है हमारे पास राउटिंग टेबल जिसके अंदर बेस्ट राउट की इंफॉर्मेशन होती है। एक हमारे पास होता है टोपोलॉजी टेबल जिसके अंदर हमारे पास पूरे नेटवर्क की टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन होती है कि मतलब जितने भी एरियाज हैं उसके अंदर जितने भी राउटर हैं उन सब की इंफॉर्मेशन टोपोलॉजी टेबल में आ रही होती है, सही है। इसमें तीन टेबल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इसकी नेटवर्क को कन्वर्ज करते हैं और उसके बाद फिर हम इन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले मैं इस राउटर पे आता हूँ और इसके साथ लूपर एड्रेस है 192.168.1.0। प्रिविलेज मोड में आया, शो आईपी प्रोटोकॉल करा और देखा कि कोई प्रोटोकॉल तो बंद ही नहीं है, कोई भी नहीं हुई नहीं। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करा और ये चेक करा कि इंटरफेस पे आईपी एलोकेट हुई भी कि नहीं हुई भी। उसके बाद शो आईपी राउट करा और राउटिंग टेबल चेक कर लिया कि राउटिंग टेबल में हमें पता चल गया कि 20 का नेटवर्क है, 30 का नेटवर्क है और 192 का नेटवर्क इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हुआ हुआ है। इसके बाद कॉन्फिगर टर्मिनल में गए, ये करना है सबको, तो देखे नहीं कि करना भी है जिनके पास PC है उनके लिए। जो अभी मैंने वो SPF का एयर को शेयर करवाया है वो कॉन्फिगर नहीं हुआ था।
वो किसी ने डाउन दिया उसने। राउटर सेलेक्ट किया, राउटर की प्रोटोकॉल देखी, ओएसपीएफ सेलेक्ट की, इसके आगे आ रहा है प्रोसेस आईडी। ईआईआरजीपी के अंदर ऑटोनोमस सिस्टम नंबर आ रहा था। एक ही राउटर के अंदर आपको याद हो मैंने वीपी कॉन्फ़िगर करा था, ओएसपीएफ भी करा था, ईआईआरजीपी भी करा था, और तीनों ने अपने अपने एडी के ऊपर डिसाइड करा था। सही है, इसके अंदर हम मल्टीपल प्रोसेसेस क्रिएट कर सकते हैं, 65,535 प्रोसेसेस क्रिएट कर सकते हैं। उस प्रोसेस के अपना रीजन होता है, सही है, वो रीजन मैं आपको ब्रॉडकास्ट नेटवर्क समझा के बताऊंगा। अभी आप इसके अंदर एक प्रोसेस सेलेक्ट करें जो सारे एरिया में काम कर रहा होगा, जिसको मैंने 100 की नाम दे दिया। बाय डिफॉल्ट थोड़ी है यार, वो तो हयाना ने दिया हुआ है, जैसे पब्लिक एड्रेस और प्राइवेट एड्रेस होते हैं, इस तरह हयाना ने ऑटोनॉमस सिस्टम एलोकेट किया हुआ है नंबर की, ये पब्लिक नंबर है, ये प्राइवेट नंबर है टीआईआरजीपी के लिए। प्रोसेस का मकसद क्या है, अभी आप ये समझेंगे प्रोसेस है, और इसी प्रोसेस के अंदर हम नेटवर्क कॉन्फिगर कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम नेटवर्क की कमांड लगाते हैं 20.0.0.0 फिर 0.255.255.255, ये नेटवर्क एड्रेस के बाद मैं क्वेश्चन मार्क डालता हूँ, ये क्या चीज है, वाइल्ड कार्ड मास्क, सही है, वाइल्ड कार्ड मास्क। इसके अलावा कहाँ यूज होता है, एसीएल के अंदर यूज होता है, सही है। वाइल्ड कार्ड मास्क जो है वो इनवर्स होता है आपके सबनेट मास्क के। हमारे पास तीन किस्म के मास्क होते हैं इसमें। मास्क का मतलब कवर करना, नेटवर्क मास्क आइडेंटिफाई करता है सिर्फ नेटवर्क पोर्शन को, कि नेटवर्क पोर्शन देता है। सबनेट मास्क आइडेंटिफाई करता है कि हमारा ये आईपी सबनेटेड हुआ है, तो 26 का मास्क आ रहा है, तो ये सबनेट मास्क हुआ। वाइल्ड कार्ड मास्क हमारा आइडेंटिफाई करता है कि कितने होस्ट हैं उसमें, सही है, नंबर ऑफ होस्ट बता रहा होता है। तो ये इनवर्स होता है सबनेट मास्क के। तो अगर इनवर्स लेंगे इसके तो 0.255.255.255 करेंगे, एरिया ये एरिया जीरो के अंदर है तो इसको जीरो के अंदर ऐड करा देंगे। नेटवर्क 30.0.0.0 0.255.255.255, और ये भी एरिया जीरो के अंदर ऐड करा देंगे। इसके बाद हम तीसरा नेटवर्क ऐड करा रहे हैं, नेटवर्क 192.168.1.0.0.255.255.255, एरिया जीरो। बता दोबारा से रिपीट करने वाली बात हो जाएगी। ये एरिया जीरो जो है, ये सारे राउटर जो है वो एरिया जीरो का हिस्सा है, ये राउटर एरिया टू का हिस्सा है, और ये एरिया वन का हिस्सा है। और बात ये हुई थी एलएसबीपी के साइज को कम करने के लिए हमने एरिया डिफाइन करे थे। अब हम दूसरे राउटर पे आते हैं, हाँ इससे भी शो आईपी राउट करते हैं, राउटर वन है, शो आईपी राउट
यहाँ शो हो रहा होता है स्क्रीन के कोने पे कि कौन सा राउटर है, इधर 10 का नेटवर्क है, 20 का है और 100 का है। तो अभी हम 100 का नहीं करेंगे, वो जब हम कॉस्ट का सीख रहे होंगे तो जब 100 का कॉन्फिगर करेंगे, अभी हम सिर्फ 10 का और 20 का ऐड करवाएंगे इसमें। कॉन्फिगर टर्मिनल राउटर OSPF 100 नेटवर्क 10.0.0.0 0.255.255.255 एरिया 0 चलिए। अभी एक से नेबर रिलेशनशिप इसने क्रिएट करा है, हमने दो राउंड्स इसका क्रिएट करा दिए हैं एडियल जीरो के अंदर। अभी 100 का नेटवर्क इसमें ऐड नहीं कराया हमने।